हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्राउजर पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये हमारा ढाई मीटर का कपड़ा है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, आपको कटिंग करके दिखाएंगे और स्टिचिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारा फोर फोल्ड कपड़ा रखा हमने, लंबाई में रखा है इसको। ये हमारा मेजरमेंट है, ये हमारे कमर का नाप है, ये हिप का नाप है, ये हमारी थाई का नाप है और ये देखिए हमारी मोरी का नाप है। और ये जो बीच में लाइन ड्रॉ की हुई है ये हमारी लंबाई है। ये दो हमारे पार्ट होंगे पेंट के सबसे पहले कटिंग में। ये हमने कपड़ा लंबा बिछा लिया है, यहाँ से बराबर नहीं है नीचे से पूरा कपड़ा, तो हम इसको थोड़ा कट कर देंगे। अब हमने इसको कट कर लिया है। अब लंबाई लेंगे अब हम इसकी। ये देखिए हमारी लंबाई तो 39 इंच है, लेकिन हम इसको 2 इंच मोरी में फोल्डिंग के लिए लेंगे, 1 इंच हम स्टिचिंग के लिए लेंगे, इसलिए अब हम इसको 41 इंच लेंगे। आपकी जो लंबाई हो उस लंबाई से 3 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि 2 इंच मोरी में फोल्डिंग के लिए चाहिए होगी हमें और 1 इंच स्टिचिंग के लिए चाहिए होगी। ये हमारा कमर का नाप है, ये देखिए ये हमारा कमर का नाप तो 10 इंच आता है, लेकिन इसमें भी हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। 10 इंच इसलिए आता है कि हमें हमारी कमर के नाप से 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 3 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिए थे कि उसमें चुन्नट डालेंगे स्टिचिंग में जाएगा, तो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था। यह हमारा आसन है, आसन में हमें 2 इंच इधर निकालना ही होगा कपड़े को, वरना हमारे सलवट आ जाएंगे पैंट में, नीचे से खींचेगी पैंट, सही नहीं होगी आसन के यहाँ से। और अब हम सेप पट्टी से इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे थाई के पास सेप पट्टी लगानी ज़रूरी होती है, और अगर आप ऐसे भी कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ये हमने कट कर लिया है, एक तरफ से हमने दोनों पार्ट को सेम कट किया है। ये हमारे कमर का नाप कट कर रहे हैं हम, ये कमर का नाप हम फ्रंट पार्ट का ही कट कर रहे हैं। ये जो निशान लगा रहे हैं यहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे। ये देखिए हम सिर्फ 2 फोल्ड ही कट कर रहे हैं, ये ऊपर का और नीचे का। हमारे इसके नीचे जो 2 फोल्ड बचेगा उसका हम बैक पार्ट कट करेंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट को रखे हुए ही बैक पार्ट को कट करेंगे। इसमें मोरी की कटिंग और एक साइड की कटिंग सेम होती है, आसन की तरफ थोड़ा सा चेंज होगा जो हम आपको अभी बता देते हैं। ये देखिए हमने 2 इंच आगे लिया है इसको, आसन को बैक पार्ट में, और 3 इंच हमने ऊपर लिया है बैक पार्ट में। ये देखिए इधर से आसन की तरफ ऊपर होगी, ये तिरछी होगी लाइन, और ये हमारी आसन की लाइन इस आसन इसके इससे 2 इंच आगे होगी। और अब हम जो घुमाव ले रहे हैं इस घुमाव पे हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हमारी थोड़ी सी हेवी भी है पेंट, इसलिए साइज में थोड़ा सा बड़ा लेंगे। ये सेप पट्टी की मदद से हमने इसकी लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम मोरी में इस प्रकार मिला देंगे। ये देखिए आप अगर इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो आपको सिलने में भी आसानी होगी और कटिंग करने में भी आसानी होगी, समझ में भी आपके बहुत अच्छे से आएगा। आप कृपया ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम यहाँ पर ये वाला चुन्नट डालेंगे। ये चुन्नट इस चुन्नट की लंबाई भी बता देती हूँ मैं, 7 इंच इसकी लंबाई है इस चुन्नट की। ये हमारा कैमरा यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया था। ये देखिए अब हम बेल्ट कट कर रहे हैं। हमारे बेल्ट की जो लंबाई होगी वो 36 होगी और चौड़ाई होगी वो 3 इंच होगी, क्योंकि 1.5 इंच वाला हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में हम इसमें बुकरम डालेंगे 1.5 इंच का। ये हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है।
ये टू फोल्ड है, हम इसको बीच में से कट करेंगे तो दोनों तरफ के बेल्ट हो जाएंगे हमारे। अब हम पॉकेट बना लिए हैं। ये देखिए, मैं पॉकेट की आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने एक अलग से डाली है पॉकेट की। ये हमने आसन की स्टिचिंग कर ली है। सबसे पहले पैंट के आसन की स्टिचिंग होगी दोनों पार्ट में। ये फ्रंट पार्ट है, वो वाला बैक पार्ट था। ये देखिए, अब हम इसकी पॉकेट बनाएंगे, फ्रंट पार्ट की पॉकेट बनाएंगे, बेल्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम पॉकेट बनाएंगे, उसके बाद दोनों पे बेल्ट अटैच करेंगे, फिर हम इसको जॉइंट करेंगे इन दोनों पार्ट को। ये देखिए, हमारी जॉइंट करने के बाद हमारी बेल्ट, ये हमारा पॉकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।